आधी रात को घर में बहुत बड़ी वाली लड़ाई हुई है। ये लड़ाई आप लोगों को देखने के लिए तो नहीं मिली, तो चलिए मैं ही आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार लड़ाई हुई किस मुद्दे को लेके है और लाइव फीड भी कल रात को बंद कर दिया गया। पहले जो है ये दोनों टीम, एक्चुअली में अंकिता की टीम ने तो ऑलरेडी टॉर्चर कर दिया है, तो वो अब टॉर्चर सहने से डर रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो भाई इनका काम भी सही है कि इनको छुपाना है। अगर वो अपने आप को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो करना चाहेंगे और वो कर भी रहे हैं। मिर्चियाँ मसाले जो है अंकिता की टीम ने सबने छुपा दिए। अभिषेक और मुनावर बात कर रहे थे, जहां पर मुनावर बोल रहे थे अभिषेक को कि मैंने दिमाग के रूम में काफी सारा सामान जो है अपने बेड के नीचे छुपाया हुआ है। तो अभिषेक बोल रहे थे कि वो वहां से उठा लेंगे। तो मुनावर का कहना ये है कि नहीं, वो कपड़ों के पीछे इतना ज्यादा पीछे है कि कोई उसके बारे में सोच नहीं पाएगा, उसको निकाल नहीं पाएगा। जब टाइम मिलेगा हम उसको निकालेंगे जरूर। तो अभिषेक ने बोला हाँ ठीक है। जैसी लाइट्स ऑफ होती है तब मुनावर जो है दिमाग के मकान में जाती है और वहां पर जो है चीजें अपना वही बेड के नीचे खोलते हैं कबर्ड, और कबर्ड खोल के जो है अपना सामान निकालने के लिए देखते हैं, तो वहां पर वो सामान नहीं रहता है। इन लोगों ने ऑलरेडी मुनावर के कबर्ड से सामान जो है वो उठा लिया है, वो चोरी कर लिया है। जिसके बाद जो है इन सब चीजों को, इन मुनावर को, अरुण को, मनारा को, अभिषेक को, सबको पता चलता है कि भाई इन्होंने चोरी कर ली है, सामान सब उठा लिए। तो इन्होंने भी छानबीन करनी जो है जोरों शोरों से शुरू कर दी और वहीं पर जो है लाइव फीड बंद हो गया था। और जोरों शोरों से जब शुरू की तब इनको काफी सारे मसाले छुपाए हुए अंकिता, ईशा, आयशा ने जो छुपाए हैं वो सब चीजें मिली, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद थे। पर इसी बीच में जब मसाले मिले तब वहां पर विक्की भैया आ गए। विक्की भैया जो है सब मसाले वसाले वो मुनावर के हाथों से छीनने लग गए, जिसके कारण जो है अरुण और अभिषेक को आया बहुत ही ज्यादा गुस्सा। और बहुत ज्यादा गुस्सा आने के बाद बस इन लोगों के बीच में इन मैटर को लेके बहुत घमासान लड़ाई हुई। तो वो लड़ाई जो है वो आपको आज या कल जो है दिखाई जरूर जाएगी। पर लाइव फिट बंद था, पर हम थोड़ी ना बंद थे, हम तो आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।